तो दोस्तों आप लोग ने स्टोरी सुनी थी आंटी की, अम्बे वाला नहीं है, एक लड़का है ओकरा बच्चा भी है, खाना नहीं देता था हम तो आपको कल जोड़ना आइए कुछ कर आदमी नहीं है। नहीं, आपका जो बेटा है अपनी बीवी को भी देता है कि नहीं देता खाना? अपना बीवी को देता है। आप अकेले, मतलब आपको अकेले को नहीं देता? हम अकेला है। कितनी उम्र है आपकी? मेरा हो गया 70 साल। खाना नहीं देता मतलब? नहीं, क्या क्या काम करना चाहते हैं बताइए। सब्जी की दुकान लगा दो, हम कहाँ जाएगा, सब्जी की दुकान लगा देगा तो अपन बैठ कर अपन ठहरा होकर बेच लेगा तो पेट जोगता आ जाएगा। कैसे करेंगे फिर, आपको सामान लेके भी आना, बाकी सब चीज़ें भी करनी? हम मंगवा लेगा ना, हम मंगवा लेगा, इतना उठा कर नाती है ना। हाँ, मंगवा लेगा, लड़की के लड़का है ना, मंगवा लेगा। अरे जब हम एक अपना कमबे के धंधा में लागेगा तो दुख तकलीफ हटा कर अपना मंगा कर अपना गुजर करेगा। कहाँ पर लगाएंगे? अशोक नगर। उनकी बेटी हूँ। हाँ, तो आपके भाई देते नहीं खाना इनको? नहीं, आजकल तो समझते हो किसको, हम जाते किसी का बेटा किसी को नहीं देखते। आप नहीं जानते हैं जो जमाना कैसे है, जो बेटा जन्मल बेटा नहीं अपन होते है जमाना के नीचे। क्या कहूँ उसका, आपको क्या कहे। विधवा है, उनके एक बेटी एंड बेटा है, जो बेटा है उनका कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है एंड इस उम्र में बेचारी कितना परेशान है वो। तो हम लोगों ने उनके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज आज प्लान किया है। उन्होंने बोला था हमें सब्जी की रेडी चाहिए, तो आपको पता है हमारी टीम क्या करती है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको अपने पैर पर खड़ा करवाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि अगर आप किसी को एक बारी में कुछ खाना दोगे या पैसे दोगे वो ज़रूर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कमाने का जरिया दे दोगे वो उसके ज़िंदगी भर काम आएगा और एक और ज़िंदगी बदल देंगे। आइए, ये रेडी के साथ साथ जो टोकरी वगैरह वेट्स वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आइए खरीदते हैं। तो सामान आप देख सकते हैं ऊपर सजाने के लिए, टोकरी और जो वेट्स होते हैं हम ले आए हैं, रेडी हमारे तैयार है, सब्जी पीछे आ चुकी है, टाइम है रेडी सजाने की। और ये हमारे रेडी, रेडी इज रेडी। तो रेडी हमारे पीछे रेडी हो चुकी है, उनको बताया नहीं हमने कि उनकी दुकान खुल चुकी है, आइए उनको सरप्राइज देंगे दुकान के साथ। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? तो क्या क्या बात हुई थी, क्या चाहते हैं आप? चाहते सब्जी दुकान मांगे, कहाँ बैठ कर अपन गुजारा करेगा। अच्छा, तो कहाँ खोलोगे दुकान आप? अशोक नगर। अशोक नगर के पास इस तरीके की? अच्छा लग रहा है आपकी दुकान, चलो फिर आज से आपकी है, ये आपने भैया से ले ली, गद्दी संभालो आज से आपकी है। समझ अभी नहीं आ रहा, मतलब मैंने सुना बच्चा आपका साथ नहीं देता बेटा, जब बेटा का बीबी आ जाती है, बच्चा हो जाते हैं ना, ओकरा अपन मनमती हो गया। अच्छा, बेटा साथ नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं साथ, अकेले हो। चलो आज से दुकान चलाओ आप, ठीक है? मदद करेगा आपकी, ये कौन पोता है? नाती है, बेटी का बेटा। हाँ, बेटी का बेटा है। तो जहाँ लगानी लगाओ, अशोक नगर में लगाओगे ना? ठीक है बाबू, तुम्हारा लहत केस नहीं टूटेगा। अच्छा, हम 80 बरस के बूढ़ है ना। हाँ, मदद दिया तो तुम्हारा लहत केस नहीं टूटेगा। अच्छा, आपसे आप होगा, यो सब मुसीबत होगा तो आप सब मांग लेगा। ये पैसे भी आज से आपके, ये सब्जी की दुकान खोल रहे हो ना, तो और सामान लाना होगा, जब बिकेगा कि एकदम से नहीं चलती ना, तो सामान लाने के लिए भी पैसा। बहुत खुश हो ना? बहुत। चलो ठीक है, इससे सामान चलाओ, जिंदगी चलाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? लास्ट टाइम हमने आपको एक परिवार दिखाया था जिनको बचपन से जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उनकी हमने दुकान खुलवाई थी, तो आज जाके उनका फॉलोअप भी करेंगे, वो लोग कैसा कर रहे हैं।
किसी ने साथ नहीं दिया था? नहीं साथ दिया सर, आपके अलावा आपका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत आपका आभारी हूँ मैं, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चों को पालने के लिए रोजी रोजगार जुड़वा दिया। लास्ट टाइम हमने किसी की दुकान खोली थी, उनका फॉलो अप करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे हो? पूरा मॉडिफाई कर दी, बढ़ा दी दुकान, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलो सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, चलो ठीक, बढ़िया चल रहा है। पीछे यहाँ पे एक गाय है जो बहुत आस से हमको देख रही है, तो हमको कुछ देना चाहिए। देखा आप लोगों ने आंटी कितनी इमोशनल स्टोरी थी, उनके अपने भी उनका साथ नहीं दे रहे, उनका अपना बेटा जिनको इन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया वो भी साथ छोड़ दिया, तो टीम बीबीएफ उनका साथ देते हैं जिनका साथ तो उनके खुद के अपने भी नहीं देते। अपने एक बार एक लिए साथ जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन टीम बीबीएफ जिसका साथ एक बार पकड़ती है उसके साथ ज़िंदगी भर देती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ से सीखें कि जितने माँ बाप इतने छोटे से अपने सारे सपने तोड़ के उनकी अपनी सारी ज़रूरतों को पीछे रखे, अपने बच्चों की ज़रूरतों को आगे रखते हैं, उनको पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं कि वो अच्छे से कमा के अपनी ज़िंदगी बिता सकें, और इस मुकाम पर जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है वो उनको छोड़ देते हैं, तो ये बहुत दुखद है, ऐसा ना कीजिए। जब वो छोटे थे उन बच्चों को माँ बाप ने जिस तरीके से साथ दिया है, तो आज जब वो बूढ़े हो गए उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनका साथ दें, उनको ऐसे अकेले ना छोड़ें, क्योंकि कितना उनका दिल दुखता होगा एक माँ बाप के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें। हम यही सब हमारे साथ जाएगा दुआएं, और बाकी सब तो वैसे भी यहीं रह जाता है, हमारी टीम कोशिश करती है ग्राउंड लेवल पर इन ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुँचाई जाएँ, एंड धीरे धीरे करते हुए हम लोगों ने आपने देखा ये लास्ट एक ईयर में कितने सारे लोगों की दुकानें खुलवा दी है, कितने सारे लोग अपने परिवार को अच्छे से पाल पा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी बिता पा रहे हैं।